AWA Cup, a wrestling event organized by All India Women's Wrestling Association, will see the participation of 150 contestants from different states. Renowned wrestler Sonika Kaliraman stated that the event will be a perfect tribute to the rape victim Damini, who has become the voice of today's women. Stressing on the need to adopt the physical sport, former wrestler Sonika Kaliraman said self-defense is the need of the hour, which women must learn to avoid Damini-like situation from occurring. बेसिकली ये जो हम एवा कप करवा रहे हैं ये हमने ट्रिब्यूट किया है जो रेप विक्टिम रही है दामिनी को क्योंकि जो मिस हैपनिंग उस लड़की के साथ हुई है ये केसेस और रिपीट ना हो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की एक अवेयरनेस हम चलाना चाहते हैं. रेसलिंग एक बहुत ही फिजिकल स्पोर्ट्स है तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट इस कॉम्पिटिशन के थ्रू एक मैसेज हम जो देना चाह रहे हैं वो लड़कियां अडॉप्ट करें. द इवेंट विल सी थ्री कैटेगरीज फॉर गर्ल्स, वीरांगना लक्ष्मीबाई, एवा कुमारी एंड एवा केसरी. द बॉयज विल फाइट इट आउट इन वीर अभिमन्यु. कैश प्राइजेस विल बी गिवन टू द टॉप 5 प्लेयर्स इन ईच कैटेगरी. जो इवेंट है उसमें हमने 4 टाइटल रखे हैं. वीर अभिमन्यु हमने लड़कों का सिर्फ एक टाइटल रखा है, बाकी 3 टाइटल लड़कियों के लिए रखा गया है. वीरांगना लक्ष्मीबाई जो छोटी बच्चियों के लिए है, फिर उसके अंदर एवा कुमारी जिसके अंदर हम मिडिल वेट की लड़कियों को रखा है, एंड एवा केसरी जो कप, और लास्ट में हम इन्हीं जितने भी टाइटल टॉप 5 बच्चों को जितने भी टोटल 5 हैं उनको हम प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. प्लस जितने भी बच्चे पार्टिसिपेशन में हैं हर बच्चे को बेशक वो हारता है या जीतता है उसका प्राइज हमने एक फिक्स किया हुआ है. आस्किंग इंडियन वुमेन टू रियलाइज द पोटेंशियल इन स्टिल इन देम, सोनिका असर्टेड दैट वुमेन पॉपुलेशन हैज द पावर टू चेंज द सोसाइटीज माइंडसेट. देखिए ये कुछ प्री प्लान नहीं था. बेसिकली एक हमारी इमोशनल अटैचमेंट उस लड़की के साथ, ये जो केस आया है सिर्फ मेरी नहीं हर इंसान की अटैचमेंट उस लड़की के साथ हुई है. हर कोई इमोशनली हर्ट हुआ है, चाहे उसमें लड़के हों लड़कियां हों कोई भी हो, जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं उन्होंने इस चीज़ को हार्डली फील किया है कि हम कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रहे हैं कल्चर वाइज. तो हमको अपने अंदर जो कल्चर हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को देते हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके की खराबी आई है जो हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा मानसिक तौर से गिर चुकी है. तो उसको बूस्टअप करने के लिए खासकर विमेंस को उनकी पर्सनल मैं चाहती हूँ कि उनको अपनी वैल्यू पता लगे कि एक औरत अगर एक आदमी को पैदा करने का दम रखती है तो वो इतना भी दम रखती है कि किस तरीके से इस पूरी सोसाइटी के अंदर वो चेंज ला सकती है. तो एक औरत की वॉइस बनी है दामिनी का केस. The wrestling event will see the participation of 150 contestants from different states. देखिए हमारा जो अभी तक हमको जिस तरीके के कोचेस के जो फीडबैक मिला है उसमें ये है कि तकरीबन 150 बच्चों से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आने वाले हैं. उनका रहने का खाने पीने का अरेंजमेंट हमने किया हुआ है.